हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर वी टेक अ प्लेज। आई अजीत कौर कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now it's time to start. This is your Hindi book of class 7th, जिसमें से हमने first chapter हमारा complete कर लिया था, जो कि एक कविता थी, भारत देश हमारा। उसके बाद हम आज second chapter करेंगे, जो कि एक कहानी है। तो सबसे पहले हम इसका जो brief में है वो समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या बात की गई है। प्रस्तुत कहानी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की खोज की कहानी है, जो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ईश्वर और कुछ नहीं, हमारा विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। ईश्वर मंदिर, गिरजाघर व मस्जिदों में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में है जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है। अतः हमें एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना चाहिए और आपसी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। अब देखो, आपको इसी से ही स्टोरी का पता तो लग गया होगा कि इसमें किस बारे में बात की गई है, ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की खोज के बारे में बात की गई है, जिसमें अंततः निष्कर्ष क्या होता है कि ईश्वर जो है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदों में नहीं, बल्कि इस दुनिया में है, और हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना चाहिए और आपसी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था, जिसमें देशी और विदेशी यात्री और मल्लाह आराम करने के लिए रुकते थे और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफ़ी हाउस में रुका। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत म्यान से तलवार निकाल कर कहा, यह है मेरा खुदा, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। एक कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा, एक इंसान गिरजे में ही खुदा को देख सकता है। उसका प्रतिवाद करते हुए एक प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा, जो लोग खुदा को स्पेल के अनुसार मानते हैं वे ही क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता, खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देखिए, सभी जो हैं अपने अपने धर्म के अनुसार इस बात का जवाब दे रहे हैं कि ईश्वर क्या है और कहाँ है। अब मतलब यह है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया, जो बात मैंने अभी आपको बोली है कि हर धर्म के इंसान का जो विश्वास था, उसने अपने विश्वास के अनुसार इसका जवाब दिया कि खुदा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है। चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक शिष्य कॉफ़ी हाउस के कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सब ने उससे प्रार्थना की कि वह इस विषय पर अपने विचार बताए। चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा, फिर आंखें खोलकर अपने हाथों को आस्तीनों से बाहर निकालते हुए उसने सबको समझाया, बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है, और यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। ये बात किसने बोली थी? एक चीनी नागरिक ने, जो सबकी बातें जो है ध्यान से सुन रहा था कि सबका मतलब कि पॉइंट क्या है,
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनका, ईश्वर को लेकर, भगवान को, खुदा को लेकर। तो उसने ये बात बोली कि जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का विश्वास सबसे मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। तो वो जो चीनी नागरिक है वो एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज़ में सवार हुआ था। जहाज़ दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ और ताजे पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज़ से उठकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि यह आदमी अंधा क्यों हो गया है। दरअसल वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा, फलस्वरूप वह अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होती तो इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। न ही यह आग है, अगर यह आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। न ही यह कोई ठोस है जिसको छुआ जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके। इसलिए यह न द्रव है, न आग और न ही कोई ठोस है, अर्थात यह कुछ भी नहीं है। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब यह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम यह बताओ कि क्या मेरा यह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज़ है तो वह क्या है? गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज़ देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी तो वह खिलखिला पड़ा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वह अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे, लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं, तुम्हारी आँखें होती तो तुम भी यही देखते। एक नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर ही नहीं गए। अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हम मछलियां पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने के अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानते कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है। क्वेश्चन क्या था कि सूरज क्या है? अब यहाँ पर भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। कोई उसे बोल रहा है कि सूरज रोशनी को ख़त्म करने के लिए है। कोई जो लंगड़ा आदमी है उसने अंधे आदमी से क्या कहा, तुम तो अंधे हो, तुम्हें पता ही नहीं है सूरज एक आग का गोला है जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। और जो मछेरा है उसने क्या बोला कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए, अगर तुम्हें अवसर मिलता तो तुम जानते कि सूरज क्या है, सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ अलग है। यहाँ की जैसे जरा सोचिए, इसमें कुछ बताया हुआ है कि अंधे गुलाम और लंगड़े आदमी ने सूरज को किस प्रकार परिभाषित किया, वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ। दोनों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया। आपको किसकी बात सबसे अधिक सही लगी? आप भी ये विचार करना कि आपको किसकी बात सही लगी। क्या लंगड़े आदमी ने जो अंधे गुलाम और लंगड़े आदमी ने सूरज को किस प्रकार परिभाषित किया, गुलाम की बात या लंगड़े आदमी ने, किसकी बात आपको सही लग रही है? यहाँ पर किसने सही बोला है सूरज के बारे में?
आज के लिए हम कहानी इतनी पढ़ेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो जो हमारे कठिन शब्द बीच में आए थे, जैसे कस्बा, छोटा शहर। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? जगत की उत्पत्ति की मूल शक्ति। द्रव, तरल पदार्थ। द्वीप, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो। प्रोटेस्टेंट, पीछे आया था ना एक वर्ड ईसाई प्रोटेस्टेंट, एक ईसाई संप्रदाय जिसे मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक पोप के विरोध में 16वीं शताब्दी के यूरोप में चलाया था। मल्लाह, नाव चलाने वाला। मल्लाह ना, रोशनी यानी प्रकाश। ठीक है, इतने ही आए थे अभी, बाकी वर्ड्स मैं आपको आगे करवाती हूँ। आज के लिए इतना इस वीडियो में, बाकी का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।